अस्सलामुअलैकुम। अच्छा 8.7 के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ये वाले करवा रहा हूँ और ये इम्पोर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर की अगर बात करें तो 8.7 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। मैं अभी इसकी एक एग्जांपल पहले करवा रहा हूँ तो उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। जो मुझे लग रहा है ना, जो मुझे याद आ रहा है, उस पास्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन इस बोर्ड में से है ही नहीं, अनसीन क्वेश्चन है। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर करूँगा, लिहाजा आप वो अनसीन अटेम्प्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो केयर मैं अपने अंदाजे में कह रहा हूँ कि मुझे याद पड़ रहा है जो मैंने सेट किया पेपर से अलहदा से। अभी ये मैं क्वेश्चन एक करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 112 के ऊपर इसका फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। 8x² - 56x + 98। देखें इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं कि जिनको आप मद्देनजर रखेंगे कि आप गलती ना करें। सबसे पहले तो ये काम करना होता है कि देखें पहले का स्क्वायर बन रहा है, आखिरी का स्क्वायर बन रहा है। 98 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या है, मैंने आपको याद करवाए थे, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100। अभी तक तो 98 बीच में आया ही नहीं। ऐसे ही पढ़ते जाना है आपको। वैसे ही जिस बच्चे को याद है परफेक्ट स्क्वायर्स, उसे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद से बता देगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब है जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या पहला आखिरी, तो यू नीड टू टेक कॉमन। तो आपने सबसे पहले तीनों टर्म्स में से इकट्ठा कुछ कॉमन ले लेना है। अब कॉमन लेते हैं हम, 8 कॉमन आ रहा है सब में भला? नहीं आ रहा। क्यों भला? 98 में से 8 नहीं कॉमन आ रहा। हम सबसे छोटा ये 2 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। 2 इसको बना देगा 49, इसको बना देगा 4। दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 49 इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हम सबसे पहले फिर क्या कॉमन लिया? 2। जी बोले 56 करना है। हमारा गर्ज पहले और आखिरी से है, जो हमें मतलब आसानी से इशारा देते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, अंडरस्टैंड। इस वजह से मैंने सेंट्रल की बात ही नहीं की। कॉमन लेना उसमें से भी है, लेकिन हमारा कंसर्न जो होगा बेसिक, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो पहला और आखिरी करता है, क्योंकि हम दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचने वाला है? 4x² - 28x + 249। अब यहाँ पे लेने के बाद अब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ये एक क्वेश्चन बन चुका है, 3 टर्म्स वाला, अलजेब्रिक टर्म्स वाला एक नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, 2 बाहर वाला कॉमन लेके उसको बाहर ही रहने देंगे। मैं अंदर वाले के ऊपर जो रूल लगाने लगा हूं, उसके साथ मैं पहले फॉर्मूला आपके सामने ऐसे ही ना 3 डॉट्स के फॉर्म में लिखने लगा हूं कि कैसे फॉर्मूला लगेगा और हम उसको लेके कहां पे जा रहे हैं। अब्दुल्ला आप इधर देखें, a² - 2ab + b² = a - b² कैसे बनाए? अब मैं आपको सारा बताऊं। ए स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर, इसका हम बनाने वाले हैं -2ab + b² बी का स्क्वायर बनने वाला है ना। अभी मैं दोबारा इसके टुकड़े करके बनाता हूँ, फिर आपको सारी समय लग जाएगी। ए का स्क्वायर हमने बना लिया, -2 डाला, लास्ट वाले का स्क्वायर बना दिया, ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सेंटर में क्या है? -2ab, -2 मैंने लिख दिया, ab, a की वैल्यू क्या है? 2x, गुड, जो ब्रैकेट के इनसाइड है 2x। कुछ बच्चे गलती यहाँ पे कॉमन जो करते हैं वो क्या करते हैं, 2x² यहाँ पे लिख देते हैं, वो गलत हो जाए, पूरा क्वेश्चन क्रॉस्ड। यहाँ पे अब b की वैल्यू 2 हो गया, a हो गया, b रह गया, b की वैल्यू क्या है? 7। 2x - 7² डाल देंगे। देखिए अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, ये तो मैंने एक दफ़ा आपको फार्मूला इंप्लीमेंट करना सिखाया, ये फार्मूला असल में ये है, तो उसके मुताबिक हम करते हैं।
बेसिकली हमारे तीन स्टेप हैं, ये हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है कॉमन की वजह से। किया क्या हमने, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पहली टर्म का स्क्वायर बनाना है। यहां पे प्लस का साइन है तो प्लस टू डालना है, माइनस का साइन है तो माइनस टू लिखना है, लिख के इतनी स्पेस बीच में छोड़ देंगे। अभी मैं जो एक दफा बोल रहा हूँ पहले वो देखिए, अभी मैंने फार्मूला डिस्कस ही नहीं किया बीच में, मैं ये बोल रहा हूँ अपने सारा बीच में से थीम बना दिया। पहले का स्क्वायर बनाना है, माइनस टू है, माइनस है यहाँ पर तो माइनस टू लिखना है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस टू लिखना है, लिखने के बाद इतनी स्पेस उसके आगे छोड़ दें कि टू टर्म्स आ जाए यहाँ पर। वो टू टर्म्स कौन सी होंगी, ए बी। हम फिर क्या करेंगे, एंड वाले का स्क्वायर थोड़ा सा डिस्टेंस रख के और लेकिन प्लस की फॉर्म उसका स्क्वायर बना के लिख देंगे। लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, बगैर कुछ सोचे समझे 28 है, 56 है या वट एवर, आप कुछ भी नहीं छेड़ेंगे उस चीज को, सोचेंगे नहीं वो क्या है। आप क्या करेंगे, इधर वाला 2x, इधर वाला ब्रैकेट के अंदर क्या है 7, उन दोनों को लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप इससे अगला कैसे करना है, ये वाला ब्रैकेट के इनसाइड वाला, ये वाला साइन, प्लस हुआ तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस, क्योंकि ये तो चेंज करता रहता है ना, जो इधर साइन होगा वो वाला साइन और उधर वाला जो भी डिजिट होगा वो लिखने के बाद ऊपर परफेक्ट स्क्वायर डाल दें, वो होल स्क्वायर डाल दें। अंडरस्टैंड जी, अब अगर ये 4 और ये 49 है, अगर इनका स्क्वायर ना बनाओ तो क्वेश्चन ही नहीं होगा नहीं। हाँ, एक वो चीज और है, वो मैं आपको जब आएगी तो मैं आपको क्लिक कर दूंगा। दानियल आप जाएं जी, नेक्स्ट। अच्छा, अभी मुझे क्वेश्चन अगला मैं लिखवाता हूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हमें कॉमन ना लेना पड़े, ठीक है, कॉमन लेने बगैर, ताकि आपको समझ लगे कि वाकई में हमारा असल मसला क्या है, पहले का स्क्वायर और आखिरी का स्क्वायर, असल हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो मैं इसी की दूसरी एग्जाम्पल ले रही हूँ, कोई और ले लूँ, बस एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर टू, यानी कि एग्जाम्पल नंबर वन का दूसरा पार्ट है, 16 ए की पावर 4 प्लस 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा मैंने। जरा फोकस करना सारे बच्चे, माइंड किसी का किसी साइड पर ना हो, ठीक है। अब हमने करना क्या है, जैसे मैंने पहले रूल के मुताबिक बोला जी, पहले का स्क्वायर बनाना है, 4a स्क्वेयर का स्क्वेयर बन गया। अब मैंने स्क्वेयर का स्क्वेयर क्यों बनाया, क्योंकि पावर 4 आई, अगर पावर 2 होती तो मुझे मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था, डबल स्क्वेयर मैंने क्यों बनाना, फिर मैंने क्या बनाना था उसको, 4a का होल स्क्वेयर, फिर मैंने ये लिखा था। अभी मैंने क्या लिखा, 4a के स्क्वेयर का स्क्वेयर, क्यों लिखा, पावर 4, फिर यहाँ पे क्या है प्लस 2 डाल के छोड़ दिया, स्पेस छोड़ी, इधर आ गए 9b का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बनेगा, 3b का 4 बन गया। अब आप बताएंगे यहाँ पे दो हम क्या लिखने वाले हैं, 4a ब्रैकेट लगा दी, बोले 3b ब्रैकेट लगा दी, इज ही राइट और रॉन्ग, कहाँ पे 4a स्क्वायर के साथ स्क्वायर डालना था, ये मिस्टेक थी, क्यों, मैंने बोला था ब्रैकेट की इन साइड वाला सारा लिखना है। जी आप पूछें, 24a स्क्वायर 20 स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ क्वेश्चन के अंदर तो है ना, हाँ और क्वेश्चन के अंदर कितनी है, क्वेश्चन के अंदर मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मिस प्रिंटिंग है, फिर यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आप बी की पावर 4 रखते हैं तो आप फिर यहाँ पे भी 2 डाल देंगे, फिर यहाँ पे भी 2 डाल देंगे, फिर यहाँ पे भी 2 डाल देंगे, दोनों चांसेस हैं। चलो मैंने 4 के साथ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है, क्या नहीं, यहाँ मेरे बुक पे तो नहीं है, जो मेरे पास इसमें नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, मिस प्रिंटिंग सारों से हो जाती, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किया, आप सॉल्व करने का सेम वही प्रोसेस, वो क्या है, 4a स्क्वायर ये वाला साइन प्लस और लास्ट वाली जो टर्म जिसका स्क्वायर है उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा, स्क्वायर डालो, बात खत्म।
जस्ट इन टू स्टेप्स। थर्ड स्टेप आपका किस चीज का हो सकता था, कॉमन लेना होता तो। और आइडेंटिटी लिखनी ही लिखनी है इस साइड पे। अब बकर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? अभी मैं आपको वो फ्री फायर का पूछ रहा हूँ, आपको सारा कुछ पता होगा। हिस्की आइडेंटिटी बोलें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों खड़े हो जाएं, चाचा भतीजा खड़े हो जाएं तुम जी। मोमिन कौन आइडेंटिटी बोलें, कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? नवाफ आप ही खड़े हो जाएं, नवाफ पूरी आइडेंटिटी लिखवाएं मुझे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। गुड, शाबाश, यही आइडेंटिटी ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल ठीक है। तो इसी की मैंने बात की थी कि कौन सी लगी है, हमने ये साइड पहले लिखी या वो साइड इधर लिखी है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले बताया। हाँ ये चीज है, बीस के इसे एंड पे लिख लो या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल 1% भी चेंज नहीं होगा जी। क्या बोल रहे हैं आप तुम्हें? अच्छा इसको पहले लिख दें? नहीं, क्वेश्चन इस फॉर्म में आया ना, उसी फॉर्मेट में आगे लिखेंगे ना तो आपके लिए आसानी है। मैं आपको इजीएस्ट वे समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे मैं भी इधर बैठे हों, उनके टीचर्स ने उनको और तरीका सिखाया हो, कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उस बच्चे के लिहाज से लेके चल रहा होता हूँ कि जो बच्चा बिल्कुल ही गरीबुल रियाजी है, कह लें गरीबुल जो मैथ है, बिल्कुल ही उसे है मैथ वीक है, बिल्कुल वीक है, उसके बावजूद अगर वो थोड़ा सा फोकस करते हैं ना, तीन पॉइंट्स हाथ में रख लें, यहाँ पे साइन कौन सा है उसके मुताबिक प्लस टू माइनस टू जो भी लगाना है, पहले का स्क्वायर बनाना है, आखिरी का स्क्वायर बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यही तीन हर्डल्स हैं जो बच्चे गलतियां करते हैं। और फिर उसके बाद अगला तो आपने की कुछ नहीं खास, पहले ब्रैकेट के इनसाइड वाला लिखा, प्लस टू या माइनस टू का साइन यहाँ पे लिखा, और आखिरी वाले का भी सेम उसी तरीके से उठा के लिखा, ठीक है। अभी मैं बाकी सारे ऑफलाइन समझा देता हूँ, वीडियो को काफी लंबी हो जाती है, तो बाकी हम करते हैं अभी ऑफलाइन।